Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. इन दिनों भारत में फीफा महिला अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। मेजबान भारत पूरे जोश के साथ इस बार वर्ल्ड कप में उतरी है और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी है अष्टम उड़ाव पे। अष्टम उड़ाव झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली हैं और उनका नाम एकाएक चर्चा में आ गया है। लेकिन अष्टम का नाम चर्चा में क्यों आया है, हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय महिला अंडर 17 टीम की कप्तान अष्टम उड़ाव को एक शानदार खिलाड़ी माना जाता है और टीम के लिए अष्टम सबसे बड़े भरोसेमंद के तौर पर हमेशा उभर के सामने आई हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश की कप्तान अष्टम के घर तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है। यूं तो झारखंड एक विकासशील राज्य है, लेकिन पहले भी ऐसे कई मामले देखने को मिल चुके हैं जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव दिखा था। लेकिन जैसे ही गुमला जिला प्रशासन को इस बात का पता चला, वो तुरंत अष्टम के गांव सुदरवर्ती पहुंचे और अष्टम के घर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि उस सड़क को बनाने में जो मजदूर लगे हैं, उनमें अष्टम के माता पिता भी शामिल हैं। चौंक गए ना आप, 250 रुपए दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर अष्टम के पिता हीरा उड़ाव ने कहा कि मजदूरी नहीं करेंगे तो परिवार का पेट भला कैसे भरेगा। गरीबी परिस्थिति है, इस कारण से हम लोग को पैसा का आवश्यकता पड़ता है। इस कारण हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बच्चों को हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस कारण हम लोग कहीं भी काम मिलता है तो हम लोग काम में चले जाते हैं। हाँ, काम तो किए हैं। कितना पैसा मिलता है? 250 रुपया। वहीं जबकि माँ तारा देवी खुश है कि बेटी भारत की कप्तान बन गई है। माँ तारा कहती हैं, अष्टम शुरू से ही जुझारू रही हैं। वो जिस काम को ठान लेती है उसे पूरे मन के साथ करती है। साथ ही माँ का ये भी कहना है कि गरीबी के कारण अपनी बेटी को पानी भात और बोथा साग खिलाकर बड़ा किया है। जब उनकी बेटी नौकरी करने लगेगी तो वो दिहाड़ी मजदूरी का काम छोड़ देंगी। इतना राम नाम रोशन कर लग से कर में रोड मिल लग तो हम कर काम करते रहे, मैया का नाम से रोड निकले से करो नहीं। लेकिन हिंकर स्थिति खराब है, गरीब स्थिति है से, लेकिन कमाते रहे हिंकर कहाँ से पैसा मिले जो हम चुगान के पूरा करब कहीं कहीं हम खूब कमाते रहे पैसा। जिस लड़की के नाम पर रोड बनाया जा रहा है उसके माता पिता के उसी सड़क पर मजदूरी करने के सवाल पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से अष्टम उड़ाव के परिवार को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और आगे भी उनका ख्याल रखा जाएगा। जो परिस्थिति है उस आधार पे वो पहले से भी काम कर रहे हैं, जिस कारण से, क्योंकि पहले से ही तो कोई बहुत बड़े नहीं हो गए, सभी लोग पहले से छोटा छोटा काम करना शुरू किए। उनकी बच्ची को भी जो वो प्रैक्टिस में लगी तब वो काफ़ी छोटी भी थी और जैसा उनको सुविधा मिला उसी बेसिस पे वो काम करने लगी और आगे आगे जैसे जैसे उनको सुविधा मिलते गया वो आगे और ऊपर जा रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इस टाइप से और तरक्की करते जाए। और जहाँ तक इन लोगों की बात है तो इन लोगों को जो सुविधा और दिया जा सकता है वो हम लोग कोशिश करेंगे। परिस्थिति ऐसा आ जाती है कि लोगों को काम करना पड़ता है और काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए। और कि हम कहेंगे कि उनका जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मूलभूत हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि हम लोग करेंगे। जो भी हो, अष्टम जैसी बेटी पाकर तो माँ बाप सहित पूरे गांव में जश्न का माहौल है। सब इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि उनकी लाडली की वजह से उनके सालों का सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।